सुधा, वो भी हिंदी इडक बुक लेकर क्यों आ रही हो? क्योंकि आज मेरी मैम ने इस इडक बुक से मुझे बहुत कुछ मीठे फलों और हेल्दी फलों के बारे में बताया। अच्छा, तो खुद को इंट्रोड्यूस तो करो पहले। माय नेम इज कर्णिका मिश्रा एंड आई एम फ्रॉम दिल्ली पब्लिक स्कूल धनबाद, क्लास 1 सेक्शन सी। ओके। मैम ने मुझे रसीले फलों के बारे में बताया। उसमें लिखा था कि आम फलों का राजा होता है। अच्छा? और कोई भी नहीं होती है उसकी रानी। और इसमें लिखा था केले, संतरे और अनार खाने से हम बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं और बहुत तेज ग्रो करते हैं। ओके। और इसमें लिखा था कि अंगूर खरबूजा और खजूर खाने से हमारी प्यास गर्मी में बुझ जाती है और हम गर्मी में हेल्दी भी रह पाते हैं। वेरी गुड। और इसके लिखा था मीठे चीकू और लीची खाने से हमारा जो पेट है वो ग्लो करने लगता है और चेहरे पे ग्लो रहता है। तो और इसके लिखा था हमारा जो बॉडी है वो बहुत ज्यादा हेल्दी हो जाती है और हमें डॉक्टर के पास जाने के लिए वो ठीक होती है। वाओ, वेरी गुड। और इसमें लिखा था पपीता पेट दर्द में काम आता है। पपीता खाने से हमारा पेट दर्द दूर हो जाता है। और पपीता बहुत मीठा भी होता है। अच्छा, तो तुमने तो बहुत कुछ जाना फलों के बारे में। तो जरा एप्पल की स्पेलिंग बताओ। A-P-P-L-E। वेरी गुड। अब मैं एक पहेली पूछूं। किसे हम कहते हैं फलों का राजा? आम। वेरी गुड। अब इसमें लिखा था एक 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 पहेली। मैं आपसे पूछूं आज मांगे? हाँ, मैं बताऊंगी। कहते हैं सब इसको फलों का राजा, रंग उसका पीला, गर्मी में वो पाया जाता और खाने में है बहुत रसीला। बताओ कौन सा फल है? आम बताइए। वो सब फल आम है। आम है। वेरी गुड। तो तुमने तो बहुत जाना फलों के बारे में, बहुत अच्छा। तो फिर फल खाने से फल हमें क्यों रोज खाना चाहिए? क्योंकि इसमें बहुत सारा विटामिन सी, डी और ई होता है जिससे हम स्ट्रांग होते हैं, हमारे फेस पर नूर आता है, हमारा समय खत्म हो जाता है और बहुत स्ट्रांग बन जाते हैं। फल हमें ताकत देते हैं और गर्मी में हमारी प्यास भी बुझाते हैं। वाओ, वेरी गुड।